हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आप सबको पूनम प्रदीप ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो अभी हम खाना बना रहे हैं, तो खाने में क्या बना रहे हैं फिर आ रहे आप लोग को मालूम। काबिल खाना बनाने जा रहे हैं, तो बहुत गर्मी किया हुआ था, सोचे कुछ हल्का ही खाना बना, फिर भारी लेकर आई है और बहुत ही गर्मी किया हुआ है, तो वही बना रहे हैं। तो देखिए मसाला पीसने जा रहे हैं, देखिए हरा मिर्च है, प्याज, प्याज लिए हैं और हरा मिर्च, और थोड़ा सा जीरा लिए और थोड़ा सा बलमेरी, और इधर हम प्याज और जीरा और तेजपत्ता तेल में दे दिए हैं, और एक सूखा लंका देंगे, एक सूखा मिर्चा भी देंगे, दे दिए। और मसाला में क्या पीसे हैं तो आपको दिखाए हैं गाइस, हरा मिर्चा है, प्याज है, एक तो छोटा प्याज दिए हैं, और जीरा और गोलमिर्च दिए हैं, और थोड़ा सा लहसुन दे रहे हैं, लहसुन दे दिए, गाइस अभी इसमें मसाला दे देते हैं, और धो के पानी भी दे दिए। और हम बना रहे हैं, जानते हैं काबली चना बना रहे हैं। काबली चना को क्या किए हैं, पहले पानी में उबाल के रख लिए हैं, नमक और हल्दी दे के उबाल के हम रख लिए हैं। ऐसे क्या होता है कि जल्दी बन जाता है, आसानी होता है मतलब, तो बनाने में देख लीजिए काबली चना उबाल लिए हैं, देखिए हल्दी और नमक देखे देखिए गल भी गया है, देख रहे ना। तो बस मसाला इसको भूजेंगे अच्छा से, तो मसाला दे दिए हैं, ऐसे मसाला में नमक भी दे देते हैं। तो आज सोचे कि आज तो सब्जी था नहीं, तो आज सोचे कि चलो आज यही बना देते हैं फ्राइडे को, और इसके साथ पूरी बना देंगे। थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च दे दिए, क्योंकि हरा मिर्चा पीसे है ना, हरा मिर्चा से थोड़ा सब्जी का कलर नहीं आता है अच्छा, तो थोड़ा सा लाल मिर्चा भी दे दिए, कश्मीरी लाल हो जाएगा। और हल्दी दे देते हैं, हल्दी भी दे दिए। अब मसाला थोड़ा बढ़िया से भूजेंगे, खूब अच्छा तरह से मसाला को भूजेंगे गाइस, उसके बाद काबुली चना दे देंगे। तो हो गया, और एक तरफ भात भी चढ़ा दिए हैं, भात हो जाएगा, तो भात भी हो जाएगा और इधर सब्जी भी हो जाएगा। देखिए मेरा मसाला भुनना हो गया, और इसमें ना टमाटर दे देते हैं, और सब्जी अच्छा नहीं बनता है। मसाला को खूब बढ़िया से भून देना चाहिए, जितना इसमें का कच्चापन है ना निकल जाता है। तो मसाला देख लीजिए खूब बढ़िया से भुजा गया है, और इसमें देखिए हम काबुली चना उबाल के रखे थे, प्रेशर कुकर में ही उबाले थे, और दे देते हैं। अब इसको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि उबला हुआ है और मसाला भी तो अच्छी तरह से भूज दिए हैं। अब बस इसको हम थोड़ा सा हल्का दो तीन मिनट इसको थोड़ा भूजेंगे, और भूज के हल्का पानी देंगे, अब बस इसको बंद कर देंगे। देखिए हैं इसमें हम पपीता दे देते हैं, आज पपीता दे के दाल बना रहे हैं, और नमक दे देते हैं, इसमें दो चटपटा दे दिए, और दो थो हरा मिर्चा दे दिए, और थोड़ा सा हल्दी हल्दी पाउडर दे देते हैं, क्योंकि मेरा भुनना हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा पानी दे देते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पानी देंगे,
ज्यादा नहीं, बस हो गया। मसाला दे देते हैं, हो गया गरम मसाला थोड़ा सा दे दिए। ये छोटी वाली देखिए क्या कर रही है, मोबाइल बैठ के देख रही है, अभी तक नहाए नहीं है लोग, और चादर वादर सब हटा दिए हैं, इसको धोना है। और देखते हैं हमारा सब्जी हो गया, मेरा सब्जी हो ही चला है गाइस, देख लीजिए थोड़ा ग्रेवी गड़ा गड़ा जैसा ग्रेवी है। तो पूरी बनाएंगे इसके साथ, तो पूरी में ऐसे ही रहेगा तो खाने में अच्छा लगेगा। तो गाइज मेरा हो चुका है, खाना वाना सब हो गया है और घर का सब काम भी हो गया है, और देखिए हमारा सुबह का पूजा भी हो गया है, पूजा तो कर ही लिए कब का ही। और आज बहुत ही गर्मी है इसलिए बाहर गेट का दर ये गेट खोल के रखे हैं कि थोड़ा हवा बाहर से आएगा। तो गाइज अब वीडियो को यहीं पे नेक्स्ट करते हैं, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और क्या बताएं, बहुत गर्मी है, गर्मी के कारण मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार और अपना साथ हमेशा बनाए रखिए, और फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।